सोनभद्र के झंडरोल बांध पर तैरता हुआ इंटेक दिखाई दिया। 1,43,000 से ज्यादा ग्रामीणों की प्यास आपको बता दें कि इंटेक बुझा रहा है, जहां पर इस पहल को जल जीवन मिशन की सबसे अच्छी पहल माना जा रहा है। ये योजना कितनी कारगर है, कितना नहीं है, जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये बेहद ही खास लगेगी। जरा देखिए, सोन नदी के किनारे बसे सोनभद्र जिले में जल जीवन मिशन की सबसे अनोखी योजना बनकर तैयार है। बेलाही ग्राम समूह पाइपलाइन योजना के तहत धंधरौल बांध पर तैरता इंटेक दिखाई देगा। इंटेक से जुड़े पाइपलाइन फ्लोटर पर बांधकर तैरते हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाते हैं। इस तरह का नजारा आपके लिए सबसे अलग होगा। ये इंटेक 205 गांव के 23,779 ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई करेगा। 1,30,000 से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित होंगे। वहीं इंटेक से लिया जाने वाला रॉ वाटर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचेगा और यहां से 7 पानी टंकियों के माध्यम से पेयजल की सप्लाई की जाएगी। वहीं योजना के तहत 5 CWR भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना यूपी के सोनभद्र जिले के लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ कभी पीने के पानी की समस्या बड़ी विकट थी, भूजल स्तर गिरा रहता था, पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते थे, जल जनित बीमारियों का खतरा मंडराता रहता था। पर जब से जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना का काम शुरू हुआ, स्थितियाँ बदलने लगी और परिवर्तन भी आया। अब गांव-गांव में स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है, बीमारियां भी घटी हैं और ग्रामीणों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। यहां पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के तहत जनपद में सतही स्रोत पर आधारित 12 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कई फर्मों द्वारा कराया जा रहा है। योजनाओं में जल आहरण के लिए सोन नदी, रेणु नदी, धंधरौल बांध, नगवा बांध और रिहंद बांध के किनारे पर इंटेक वेल का निर्माण किया जाना है। रिहंद बांध, धंधरौल बांध और नगवा बांध का धरातल पथरीला होने की वजह से पारंपरिक इंटेक वेल के निर्माण में ज्यादा समय और खर्च लगना था, साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने में काफी परेशानियां भी आ रही थी। इसके समाधान के लिए वारी पॉन्टून पुड़े में फ्लोटिंग इंटेक वेल के प्रस्तुतीकरण लिया गया और इसके लाभ को देखते हुए नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने इस नई विधि से सोनभद्र में पेयजल की चुनौतियों से निपटने का निर्णय लिया और फ्लोटिंग इंटेक सिस्टम का काम शुरू किया। दरअसल जिला सोनभद्र क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार से घिरा हुआ है। सोनभद्र का 50% भाग पहाड़ी और पथरीला होने की वजह से भूमिगत जल में अशुद्धियां और जल स्तर कम है। ये संरचना जल की सतह पर तैरती रहती है, जिस वजह से इसे आसानी से ज्यादा जल की उपलब्धता वाले स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जिन जगहों पर वाटर बेसिन के अंदर पत्थर या चट्टाने पाई जाती हैं, वहां पारंपरिक इंटेक वेल का निर्माण किया जाना ज्यादा कठिन होता है। ऐसी जगहों के लिए फ्लोटिंग इंटेक सिस्टम एकमात्र आसान विकल्प है। फ्लोटिंग ब्रिज या वे लाइन से जोड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के चैम्बर और ट्रेंच खुदाई की आवश्यकता नहीं होती है, जिस वजह से पाइपलाइन का रखरखाव कम खर्चीला और आसान हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।